सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपका जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो आर्द्रा नक्षत्र में प्लेस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा स्पाउस मिलेगा। आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहां से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पर चलते हैं। तो देखिए, अगर आपका जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो आर्द्रा नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आर्द्रा नक्षत्र सिक्स नंबर नक्षत्र है। इस नक्षत्र का जो रूलर है वो है राहु देव। ये नक्षत्र मिथुन राशि में पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे राहु देव इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है तो कहीं ना कहीं इल्यूशन, ऑब्सेशन, मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है और फियर, डाउट, ये सब भी इस नक्षत्र के साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड हो गया है। ठीक है, अब देखिए, ये नक्षत्र मिथुन राशि में पड़ता है तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके स्पाउस काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक शार्प माइंड हम जिसे कह सकते हैं वैसे टाइप के होंगे, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से समझ लेना वो कैपेसिटी आपके स्पाउस के अंदर यहाँ पे ज़रूर देखी जाएगी। एक बिजनेस माइंडेड पर्सन होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एक डिप्लोमेसी रहेगी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, गुड स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिथुन राशि है तो कहीं ना कहीं जो ड्वेलिंग वाला पर्सनैलिटी है वो भी यहाँ पे एसोसिएटेड है, और उनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ट्रैवलिंग का शौक रह सकता है। और राहु देव एसोसिएटेड है तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन एलिमेंट है वो भी आपके स्पाउस के अंदर हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं वो फॉरेन कोई लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं या फिर वो कोई भी फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं, पर उसके लिए चार्ट के और भी कंडीशंस चेक करनी ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, इस नक्षत्र का जो बेसिकली मीनिंग है वो है मॉइस्ट, मतलब नमी, और इस नक्षत्र का सिंबल है आंसू, मतलब टीयर ड्रॉप। ओके, और इस नक्षत्र के साथ जिन डीटी को एसोसिएटेड किया गया है, मतलब देवता को एसोसिएटेड किया गया है, वो है रुद्रदेव, मतलब भोलेनाथ का जो रौद्र रूप है उनको इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड इस नक्षत्र में प्लेस्ड है तो यहाँ पे आपके स्पाउस बाहर से तो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के नज़र आ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो सैडनेस या फिर कोई भी चीज़ को लेके अगर उनके मन में तकलीफ़ चल रही है तो वो आपको उनके फेस से नज़र नहीं आएगा। मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट नेचर पर्सन और बहुत ही ज़्यादा एक सॉर्टेड पर्सन आपको वहाँ पे नज़र आ सकते हैं, पर मन ही मन में उनके एक तूफान चलता रहता होगा, माइंड में कुछ ना कुछ एक जो तूफान है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपके स्पाउस के जीवन में भी ना बहुत सारे सफरिंग्स के थ्रू ही वो कोई भी मटेरियलिस्टिक गोल को वो अचीव कर पाएंगे, मतलब बहुत सारे एनिमिल्स उनको लाइफ में फेस करना पड़ सकता है या फिर बहुत सारी तकलीफ़ें झेलने के बाद वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनने की काबिलियत रखते होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इस नक्षत्र का एक और सिंबल है जो है डायमंड, तो डायमंड का भी यही है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के बाद, बहुत ज़्यादा ताप सहन करने के बाद ही वो एक मतलब ब्राइट स्टोन में परिवर्तित होता है। तो वैसे ही आपके स्पाउस के भी लाइफ में रहेगा कि जो भी उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आएंगे वो जितना भी पेनफुल है उनके थ्रू गुजर के उनके पर्सनैलिटी का जो बेस्ट शेड है वो बाहर निकल के आएगा, और बहुत ही ज़्यादा एक बेटर पर्सन में वो यहाँ पे परिवर्तित हो जाएंगे। पर हाँ, लाइफ में
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टर्मोइल वाला सिचुएशन उनको फेस करना पड़ सकता है, बड़ी से बड़ी चेंजेस भी उनको लाइफ में देखनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनके मन में, थोड़ा सा तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा सैडनेस, डिप्रेशन ये भी रह सकता है। पर आपके स्पाउस अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, उनके अंदर जो स्टैमिना है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस यहाँ पे कोई भी बिजनेस में हो सकते हैं, मतलब उनका जो बिजनेस करने का जो एक थिंकिंग है वो आपके स्पाउस के अंदर यहाँ पे ज़रूर नज़र आएगा। और यहाँ पे अगर मैं फिज़िकल अपीयरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपके स्पाउस का जो फेस है वो लार्ज फेस हो सकता है, और उनकी जो आँखें रहेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहेगी, मतलब गहराई तक देखने की जो क्षमता है वो उनके अंदर रहेगी, मतलब किसी के भी अंदर क्या चल रहा है वो आपके स्पाउस बहुत जल्दी भाप सकते हैं, मतलब जो इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है वो भी आपके स्पाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग इंट्यूटिव होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके स्पाउस का ऐसा हो सकता है उनकी जो हेयर है उसमें थोड़ा सा रफनेस या ड्राइनेस रहे, या फिर बहुत ज़्यादा वो ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से हेयर को कॉम्ब नहीं करते हैं, ये भी मतलब कुछ चीज़ें आप देख सकते हो आपके स्पाउस के अंदर, मतलब उनका हेयर थोड़ा सा वैसे टाइप का, मतलब फ्रीजी हेयर ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आने की वजह से कभी कभी उनका जो फेस है ना वो रेड कलर का हो जाता है, तो ये भी आप देख सकते हो, मतलब कोई भी, मतलब उनका जो कान है वो भी रेड हो सकता है, मतलब गुस्से की वजह से, या फिर फेस का जो अचानक से जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो सकता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली मूड स्विंग्स जो है वो भी आपके स्पाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी, मतलब कभी बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे तो कभी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहेंगे, तो ये जो मूड स्विंग्स वाला फैक्टर है जो कि मैंने ड्यूअलिटी वाला जो थिंग पहले कहा था उसके साथ आप एसोसिएट करके इसको सोच सकते हो। अब अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो देखिए मरकरी और राहु का एनर्जी यहाँ पे एक साथ काम कर रहा है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कोई भी टेक्निकल रिलेटेड फील्ड में आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर्स, गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी काम, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम, एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह, गैजेट से रिलेटेड, फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी काम में आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर कोई भी वो मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, स्पेशली वो साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई भी न्यूरोलॉजिकल सेक्टर से भी वो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस नक्षत्र के साथ ह्यूमन हेट को भी एसोसिएटेड किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कुछ नेगेटिव थिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा देखा गया है कि आपके स्पाउस कभी कभी बहुत ज़्यादा, मतलब पास्ट का कुछ अगर उनके लाइफ में इंसिडेंट हुआ होगा तो उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी को लेके डिप्रेशन में रहना, सैडनेस में रहना, ये आपके स्पाउस के अंदर दिखने को मिल सकता है। मतलब सपोज़ जो 10 साल पहले जो घटना घट गई है तो उसको लेके भी 10 साल बाद भी वो सोचते रहते हैं, तो ये जो टेंडेंसी है ये आपको अपने स्पाउस के अंदर दिखने को मिलेगी, तो जिसकी वजह से उनके जो माइंड में एक रेस्टलेसनेस वाला थिंग है वो भी आपको दिखने को मिल सकता है। इन लोगों को रात में नींद ना आने की प्रॉब्लम भी आपको दिखने को मिल सकती है, और यहाँ पे उसी की वजह से इनके आँखों में भी ना आपको एक सैडनेस वाला जो थिंग है वो दिखने को मिलेगा, मतलब एक खालीपन इनके आँखों से आपको नज़र आ सकता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखने की इनको कोशिश करो तो। और यहाँ पे इसी वजह से, और कभी कभी अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, मतलब अगर इनके लाइफ में कोई भी मटेरियलिस्टिक गोल है तो उनको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, या फिर एक फियरफुल रहना किसी भी चीज़ को लेके, तो ये भी आप अपने स्पाउस के अंदर देख सकते हो,
तो अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हो तो आप उनको कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करें, क्योंकि मेडिटेशन आपके स्पाउस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मेडिटेट करने से उनके माइंड में जो भी मतलब नेगेटिव थिंकिंग आ रही है उससे भी उनको राहत मिलेगी काफ़ी ज़्यादा हद तक। और यहाँ पे रुद्रदेव एसोसिएटेड है तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके स्पाउस के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मिथुन राशि में है तो कहीं ना कहीं जो यूथफुल अपीयरेंस है वो भी आपको अपने स्पाउस के अंदर नज़र आएगा। मतलब वो कितने भी उम्र के हो जाए पर कहीं ना कहीं उनको देख के वो पता नहीं चलेगा, तो जो यूथफुल थिंग है वो यहाँ पे नज़र आएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे टीयर ड्रॉप एसोसिएटेड है तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि कहीं ना कहीं रो लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कभी कभी आंसू को बह देना चाहिए, उसके बाद जाके क्लैरिटी मिलती है लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि अगर आपके स्पाउस आपको ऐसा मिल रहा है कि मतलब रो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे टाइप का, तो उनको वैसे रो लेने दीजिए, क्योंकि उसके बाद एक जो फ्रेश स्टार्ट है वो ले पाएंगे। तो इनके लिए रो लेना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब आप उनको तब रोकिए मत कि नो डोंट क्राई या फिर ऐसा कुछ मत बोलिए, क्योंकि उसके बाद ही एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग में वो जा पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मतलब टीयर ड्रॉप है ये भी इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है और बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी है इनके लिए। और यहाँ पे राहु का एनर्जी है तो आपको एक और चीज़ की ध्यान रखनी होगी कि आपके स्पाउस कभी भी कोई भी मेटेरियलिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए कोई भी रूल ना ब्रेक करें, क्योंकि राहु क्या है, ऑब्सेशन है। मतलब कोई भी चीज़ को लेके मतलब बहुत ज़्यादा जो ऑब्सेशन हमारे अंदर रहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ अभी की अभी चाहिए, अभी की अभी पाना है मुझे, तो इसके लिए बहुत लोग बहुत सारे रूल्स भी ब्रेक कर देते हैं। तो उस टाइम पे आपको अपने स्पाउस को गाइड करना है, ठीक है। पर आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड होते हैं एक्चुअली। अगर सेवेंथ लॉर्ड आर्द्रा में है ना, तो आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा अंदर से नरम दिल के होते हैं। मतलब लाइक अ कोकोनट, जो बाहर से आपको ऐसा नज़र आ सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी रूड नज़र आ सकते हैं, क्रूएल भी नज़र आ सकते हैं कभी कभी, क्योंकि इनके लाइफ में थोड़े से ऐसे इनको एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरना पड़ता है कि ये बाहर से वैसे हो जाते हैं पर अंदर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और इनके अंदर भी जो ममता है, जो दया है, वो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके स्पाउस को ऐसा हो सकता है कि ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड थिंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट आपको दिखने को मिले, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी उनका इंटरेस्ट रह सकता है, तो ये भी आपको कुछ चीज़ें दिखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि आपके जो स्पाउस होंगे वो ऑनेस्ट भी रहेंगे आपके साथ। कभी कभी जो सैडनेस वाला, डिप्रेशन वाला स्टेट है वो आपको दिखने को मिल सकता है, पर उस टाइम पे आप उनको हेल्प कीजिए, उनको कहिए कि मेडिटेट करें। अदरवाइज़ यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए अगर सेवेंथ लॉर्ड आर्द्रा में है तो आपके स्पाउस मेटेरियलिस्टिक जो सक्सेस है मतलब वेल्थ रिलेटेड जो सक्सेस है वो उनको मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक प्योर हार्टेड पर्सन होंगे, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।